नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और प्रस्तुति के साथ, जो आधारित है हिंदू मुस्लिम एकता पर। आज के युग में एक बहुत बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उठाया जा रहा है। उसी क्षेत्र में पहल करते हुए मैंने कुछ अपनी लेखनी के जरिए लिखने की कोशिश की और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से पहले हम सब लोग इंसान हैं, और उस इंसानियत को अगर हम लोगों ने जान लिया तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी चीज़ों का हमारे नज़र में कोई मोल नहीं रह जाएगा। बस इंसानियत से ओतप्रोत अपनी ये कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगी। कि मिट जाए दूरियां, मिट जाए फासले, मिट जाए दूरियां, मिट जाए फासले। हम हिंदू मुस्लिम जब ले हाथों में हाथ चले, न हो कोई गिला न हो कोई मलाल, बस जलती रहे सदा प्यार की मशाल। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस कविता में समझाने की कोशिश हुई है वो इन पंक्तियों में है। अरे क्या कोई बांट पाया है, क्या कोई बांट पाएगा इंसानों का लहू, इंसानों के ही काम आएगा। क्या लड़ाई क्या झगड़ा, ओ क्या झगड़े में रखा, क्या लड़ाई जी क्या झगड़ा, क्या झगड़े में रखा। अमन का ये पैगाम भारद्वाज सुनाएगा। मिट जाए दूरियां, मिट जाए फासले, हम हिंदू मुस्लिम जब ले हाथों में हाथ चले। ये बुनियाद जो हम सब को इंसानियत सिखाती है ये प्यार पर आधारित है, और प्यार की एक मिसाल। कि लोहा लोहे को काटे कहावत सबने सुनी है, लोहा लोहे को काटे कहावत सबने सुनी है, ओ इन सब की बुनियाद बस प्यार पर टिकी है। लोहा लोहे को काटे कहावत सबने सुनी है, इन सब की बुनियाद बस प्यार पर टिकी है। प्यार मोहब्बत से इंसानियत पालो, अरे कुछ बनो ना बनो इंसान बन डालो, कुछ बनो जिना बनो इंसान बन डालो। मिट जाए दूरियां, मिट जाए फासले, हम हिंदू मुस्लिम जब ले हाथों में हाथ चले। अगली पंक्तियों में मेरा इशारा जा रहा है उन धर्म के पैरोदारों की तरफ जो छोटे छोटे बच्चों को की जान लेने तक से भी नहीं कराते। क्या धर्म यह सिखाता है? क्या धर्म हमें इस कदर गिर जाने पर मजबूर करता है? साथियों, ये मुद्दा राजनीतिक रूप से चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, पर इंसानियत के तराजू में अगर आप इस मुद्दे को तोलेंगे तो आप शायद ये भी पाएंगे कि जैसा कुछ घटनाएं अभी हमारे सामने हो रही हैं जिहाद को लेकर, धर्म को लेकर, उन सब से भले ही राजनीतिक तंत्र कुछ भी कहे, कुछ भी बात
बनता रहे इस बात पे, लेकिन मौत असलियत में इंसानियत की हो रही है, तो उसके लिए बोला गया है कि जिसे मार रहे हो आज वो लहू किसका है, जिसे मार रहे हो आज वो लहू किसका है, उन बच्चों का लहू पल पल चीखता है, उन बच्चों का लहू पल पल चीखता है, मारो रही यहाँ है सवाल लबों पर, मारो रही यहाँ है सवाल लबों पर, इन सवालों का जवाब बता कौन दे पाएगा, मिट जाए दूरियां मिट जाए फासले, हम हिंदू मुस्लिम जब ले हाथों में हाथ चले। मेरी अगली प्रस्तुति भी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर ही है। विगत कुछ दिनों में इसी मुद्दे पर मैंने अपना रिसर्च किया, इसी मुद्दे पर लिखने की कोशिश की। इस वाली पोइट्री के अंदर, कविता के अंदर बहुत सरल शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में उन सरलतम शब्दों का शाब्दिक अर्थ अगर समझ पाएंगे तो इंसानियत को भी समझ पाएंगे। यहां गंगा शब्द पवित्रता का प्रतीक होगा, यहां पर एक शब्द आएगा आफताब जो सूरज को दर्शाएगा, सूरज को घोषित करेगा, उद्घोषित करेगा, महताब चंद्रमा को प्रदर्शित करेगा, और इनके जरिए आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि वास्तव में जो ये धर्म के नाम पर जितनी भी सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं इनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। कैसे? कि तुम भी पियो हम भी पिए, तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, अरे तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, ये जमीन किसकी है आसमान किसका है, अरे ये जमीन सबकी है आसमान सबका है, अरे देखो कहीं हो न जाए, देखो कहीं हो न जाए, धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। दोस्तों, जितने सहज ये शब्द हैं उतने सहज इनका अर्थ भी है अगर इंसानियत के मायने में समझा जाए तो। कितनी छोटी सी बात कही गई है, जमीन सबकी है आसमान सबका है, पर झगड़ा तो इन्हीं चीजों का है। अगली पंक्तियों में आफताब किसका है, महताब किसका है, अरे आफताब किसका है, महताब किसका है, आफताब सबका है, महताब सबका है, अरे ये बात जानते हुए भी, बात जानते हुए भी पढ़ रही देखो समझानी,
प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। सबसे जो महत्वपूर्ण जो शब्द इस कविता में आने वाले हैं, बहुत छोटी सी चीज है, रब भगवान हम लोगों ने बना दिए। हिंदू भगवान को पूछ लेते हैं, मुस्लिम रब को पूछ लेते हैं, लेकिन मैंने तो इन सब चीजों से ऊपर की चीज सोचने की कोशिश की है। सुनिएगा, भगवान भी मस्जिदों में क्यों जा नहीं सकते हैं यारो, रब भी मंदिरों में क्यों आ नहीं सकते हैं यारो। सुनिएगा, भगवान भी मस्जिदों में क्यों जा नहीं सकते हैं यारो, रब भी मंदिरों में क्यों आ नहीं सकते हैं यारो। अरे मिला दो भगवान को रब से, मिला दो भगवान को रब से, हो क्या कारस्तानी, फिर मिल बैठ के पिएंगे दोनों गंगा का पानी, मिल बैठ के पिएंगे दोनों गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। ये बात जानते हुए भी पढ़ रही देखो समझानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। धर्म के पहरेदारो, अरे धर्म के पहरेदारो, कर रहे क्यों जनहानि, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी।